अकेलापन एक ऐसी बीमारी जो आज के युग में हर दूसरे व्यक्ति को लगी हुई है। टेक्नोलॉजी, फैमिली, फ्रेंड्स के होते हुए भी व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कोई पार्टनर नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाए। इस अकेलेपन की बीमारी का इलाज मौजूद है, ये किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता, कोई डॉक्टर इसे सजेस्ट नहीं करता। इस दवाई को अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट पर जाना पड़ेगा, बिकॉज ये दवाई इंटरनेट पर अवेलेबल है डेटिंग ऐप्स के नाम से। ये डेटिंग ऐप्स दावा करते हैं कि आपके अकेलेपन को दूर कर देंगे और आपको एक खूबसूरत पार्टनर के साथ कनेक्ट कर देंगे, पर क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ एक धोखा है? चलिए देखते हैं डेटिंग ऐप्स का सच इस वीडियो में। डेटिंग ऐप्स में यूज़र को एक फ़ोटो और थोड़े डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जज करना होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके लिए ठीक होगा या नहीं होगा, या उसके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहता है या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ये एक तरह का स्कैम है, क्योंकि कुछ सेकंड्स में आपको डिसीज़न लेना होता है और बेस क्या है आपके डिसीज़न का, एक फ़िल्टर की गई फ़ोटो और एक झूठा डिस्क्रिप्शन। ये एक तरह का स्कैम है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। टिंडर और इसके जैसे अदर डेटिंग ऐप्स सोशल कंपैरिजन, बॉडी शेमिंग और लुक्स के बेसिस पे जज करने वाली चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। सो हु आर द यूजर्स ऑफ दीज डेटिंग ऐप्स? इट इज़ क्वाइट क्लियर कि इन डेटिंग ऐप्स के ज़्यादातर यूज़र यंगस्टर्स होते हैं, नौजवान लोग। एक कड़वा सत्य ये भी है कि जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर थक जाते हैं या ऐसी किसी प्लेटफॉर्म पर थक हार जाते हैं, वो रुक करते हैं डेटिंग ऐप्स का, क्योंकि ये डेटिंग ऐप्स बने इसलिए हैं कि आप किसी दूसरे अपोजिट जेंडर के व्यक्ति से कनेक्ट हो सकें और उसके साथ अपना रिश्ता बिल्ड कर सकें। अब जो लोग ये कहते हैं कि वो डेटिंग ऐप्स में फ्रेंड्स ढूंढने आए हैं, ये वही लोग हैं जो बेवकूफ़ी के एक नए आयाम को छू चुके होते हैं। इसके साथ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि डेटिंग ऐप्स के यूज़र इनसिक्योर होते हैं और अपनी इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए डेटिंग ऐप्स में आते हैं, इस बात से पूरी तरीके से अनजान कि ये डेटिंग ऐप्स असल में उनकी इनसिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। टिंडर और इसके जैसे कुछ और डेटिंग ऐप्स की कहानी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ही है, जहाँ पर किसी तरीके से यूज़र के दिमाग में डोपामाइन रिलीज किया जाता है ताकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफाई हो जाए, उसे क्षणिक खुशी मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल टिंडर पर आपको किसी का लाइक मिला, इससे आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होगा जहाँ पर आपको क्षणिक खुशी मिलेगी, और मनुष्य की प्रवृत्ति ची होती है कि जहाँ उसे क्षणिक खुशी मिलती है वो उस ओर निश्चित तौर पर जाता है। तो इसलिए इस डेटिंग ऐप्स में यूज़र बड़े आराम से आ जाते हैं। भारत में रह रहे लोगों को इन डेटिंग ऐप्स के छलावे से बहुत दूर रहना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे 80-90% ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दीज डेटिंग ऐप्स आर फेक। यहाँ पे व्यक्ति की असल फ़ोटो भी अपलोड नहीं की जाती, बहुत एडिट और फिल्टर लगाने के बाद फ़ोटो डाली जाती है, और जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो भी सच नहीं होता। यहाँ सच को छुपा लिया जाता है और वही चीज़ दिखाई जाती है जिससे उस खास व्यक्ति विशेष की वैल्यू बढ़े, जबकि असल में हम सबकी ज़िंदगी एक जैसी होती है। हर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पर्सनल प्रॉब्लम होती है, और किसी तरीके से कुछ इलनेस भी हम सबकी ज़िंदगी में होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। पर ये डेटिंग ऐप्स में दिखाने वाली चीज़ें ऐसी होती हैं, डेकोरेटिव होती हैं, कि जब यूज़र देखता है तो खुद की लाइफ पर डाउट करने लग जाता है और इससे इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। डेटिंग ऐप्स आर द अनरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म्स स्पेशली इन भारत। क्यों? क्योंकि जब यूज़र देखता है सामने वाले की फ़ोटो को और उसके फ़ोटोज़ के बाद उसके डिस्क्रिप्शन को, तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग हैं। सो यहाँ पर एक सोशल कंपैरिजन होता है जिससे उसे डाउन फील होता है और अंदर से बुरा लगता है। ऑन द अदर साइड जिस व्यक्ति को रिजेक्शन मिल रहे हैं, जिस लड़की को रिजेक्शन मिल रहे हैं, वो खुद के बारे में डाउट करना शुरू कर देती है। या तो वो खूबसूरत नहीं है, या लोग उसे वैसा नहीं देखते, या तो वो मोटी है। तो इस तरीके से इनसिक्योरिटी बढ़ती है, सोशल कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है और व्यक्ति खुद को वर्थलेस फील करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही सोचने वाली बात यह भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेटिंग ऐप्स के यूज़र अल्टीमेटली शादी भी कर लेते हैं, पर भारत का ऐसा सीन नहीं है। कितने परसेंट लोग भारत में डेटिंग ऐप्स में मिलने के बाद शादी कर लेते हैं? बहुत कम, ना के बराबर। एंड दीज ऐप्स मेक द अदर पर्सन एज अ कम्युनिटी, जहाँ पर आप स्वाइप करके डिसाइड कर रहे हैं कि वो व्यक्ति सही है या नहीं है। सो दिस इज नॉट अ गुड वे टू ट्रीट अ ह्यूमन बींग। असल में ये सब सोच का खेल है। डेटिंग ऐप्स के यूज़र या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, या उनकी सोच बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखाने की वो कोशिश करते हैं।
पर जो लोग अरेंज मैरिज का विरोध करते हैं ये कहकर कि लड़कियां कोई संपत्ति नहीं होती जिसे कोई भी आके देखेगा और फिर पसंद करेगा, उन लड़कियों का अकाउंट इन एप्लीकेशंस में होता है, टिंडर वगैरह में अकाउंट आपको उनका आराम से मिल जाएगा, जहां पर कोई अनजान व्यक्ति इन्हें रिजेक्ट कर देता है विद इन अ फ्यू सेकेंड विदाउट गिविंग अ प्रॉपर रीज़न। डेटिंग ऐप्स में रिजेक्शन मिलने के बाद जब यूज़र वर्थलेस फील करता है तो यहाँ से एक नया खेल शुरू होता है। ज़्यादातर रिजेक्शन फ्री यूज़र को मिलते हैं। कुछ रिजेक्शन के बाद एक एड डिस्प्ले होता है जहाँ पर ये डेटिंग ऐप्स वादा करते हैं कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके कनेक्शन ज़्यादा ईजिली बन जाएंगे। जो डेस्परेट लोग होते हैं या जो खुद को अकेलेपन की जकड़ में माने हुए होते हैं वो लोग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं। ऐसे ही डेटिंग ऐप्स की दुकान भारत में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हर रोज़ मार्केट में नए डेटिंग ऐप्स आ रहे हैं और उनके ऐड भी आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, इन डेटिंग ऐप्स की मार्केटिंग करने के लिए कोरा जैसे प्लेटफॉर्म को भी यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर एक लंबा चौड़ा अच्छा वैल्यूएबल आंसर देने की आड़ में एक लाइन डाल दी जाती है कि अगर आपको अच्छा पर्सन चुनना है तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। ये लिंक आपको ले जाती है उस ऐप में जहाँ पर आपको बोला जाता है आप इसे डाउनलोड कीजिए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। ज़्यादा उम्मीद लगा के इन डेटिंग ऐप्स में जाने से आपको इनसिक्योरिटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, तो बेटर यही होगा कि आप इनसे दूर रहें। और दूसरी बात ये भी है कि किसी गलत आदमी या किसी फेक पर्सन के साथ रिलेशन या उससे कनेक्ट होने से ज़्यादा बेटर है कि आप अकेले ही रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।